क्योंकि आंकड़ों का भी रुख करना जरूरी है, आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। और सीट कितनी आएंगी, 2019 की सीटें बता देते हैं आपको, 10 सीटें हरियाणा में है, 10 की 10 बीजेपी के खाते में पिछली बार 2019 में गई थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2024 का जो ये हमारा सर्वे सामने आया, इसमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। ये नुकसान क्यों हो रहा है, इस पर भी राजीव जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच कंवलजीत को मैं इस पूरे डिस्कशन में शामिल करूंगी। कंवलजीत, क्योंकि आप यहां पंजाब और हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझती हैं, पंजाब की स्थिति मुख्य तौर पर नशा मुक्ति और बेरोजगारी पर केंद्रित है, हरियाणा के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन अलायंस में किसी पार्टी की जरूरत पड़ने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें राज्य की, उसको भी 10 साल हो जाएंगे जेजेपी के साथ है, लेकिन जिस तरह से तो एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी कि जिस तरह से यहाँ पे राजनीति चल रही है, जैसे पंजाब की राजनीति ये है कि केंद्र में कोई भी सरकार हो उसके विरुद्ध सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन जहां तक हरियाणा की बात आती है, वहां पर क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक है, वहां के जो मुद्दे हैं वो काफी होते हैं, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी इनको काफी हद तक है। और खासतौर पर जिस तरह से हमने देखा कि हर राज्य में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, तो खट्टर सर आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इम्प्लॉयमेंट को लेकर है, किसान नाराज हैं, 13 तारीख को किसान मोर्चा संभाल रहे हैं, जाएंगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। देखिए राजीव जी, किसानों का मोर्चा अहम है और आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, लेकिन उसका असर यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में दिखता है कंवल जी? देखिए, ये जो 3 फार्म बिल्स थे जो कि मोदी सरकार ने फिर वापस लिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब भी जब ये मोर्चा निकाल रहे हैं तो वो MSP की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम हमारी जो मांगे हैं वो, और बार बार हमने देखा है कि पंजाब और हरियाणा में किसान जो कि एक अहम एक बड़ा सेगमेंट है वो निकल रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो कहीं हद तक नेशनलिज्म है, राम मंदिर है, अब आप देखिए यहाँ से ट्रेन जा रही है राम मंदिर की तरफ जा रही है, तो राम मंदिर का मुद्दा पैन इंडिया है इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो बीजेपी के हाथ में है। शायद यही वजह है कि 370 पार का नारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रधानमंत्री ने दिया है, और वो कैसे हासिल होगा उसका एक रोड मैप पार्टी जरूर तय करेगी, लेकिन अब बहुत कम वक्त बचा है। पर आपको ये भी बता दें कि अगर ये 8 सीटें आ रही हैं तो इसमें कुछ राम मंदिर का भी योगदान है जी, लेकिन 2 सीटों का नुकसान भी हो रहा है यहाँ पर, वो किसान मुद्दा है या फिर कोई? देखिए, कांग्रेस ने काफी काम किया है और यहाँ पे जैसे एक बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की आती है, लेकिन पिछली 2 टाइम से उनको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, काफी सवालिया निशान। एंटी इनकम्बेंसी से कैसे जूझेगी आपकी सरकार, क्या वही होगा जो MP में हुआ, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी लेकिन CM बदल दिए गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप ही कमल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का ओपिनियन पोल आ रहा था, एग्जिट पोल आ रहा था, तो हम विश्वास कीजिए, हम खुद भी सोचते थे कि शायद वो ठीक होगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से इरेडिकेशन किसी पार्टी का कर दिया, किसने करा? हमने नहीं करा, जनता ने करा। और यहाँ हरियाणा की जनता भी ये जानती है कि हरियाणा के अंदर एक गरीब व्यक्ति जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे नौकरी मिलेगी, आज वो खुद बाहर निकल के बयान दे रहा है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरे अधिकार मेरे दरवाजे पर ला करके छोड़ दिए, ऑनलाइन व्यवस्था कायम करी। और हमारे को तो अभी पीछे पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार गलती से आ गई तो मैं सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं बंद कर दूंगा। बताइए, वो युवा बैठे हैं यहाँ पर, क्या वो चाहेंगे दोबारा से बिजली की लाइनों में खड़े हों? क्या वो चाहेंगे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर खड़े हों? क्या वो चाहेंगे कांग्रेसी नेताओं को बीच में कमीशन देकर के अपने अधिकार पाए? अरे, हम तो सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप ही सोचिए, उनको लगता है मेरा काडर ही तब पाला जा सकता है जब मैं उनको सरकारी खजाने से मिडिल मैन के तौर पर पैसा दूं, और वो पैसा अगर किसी ने खत्म करके दिखाया तो वो इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खत्म करके दिखाया, उन्होंने प्रूव कर दिया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, दोबारा रखिएगा इसी सुखना लेक पर, यही मौसम होना चाहिए, सुंदर नजारा होना चाहिए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में आने वाली है। मैं आपको ये आश्वासन देके जा रहा हूँ और उसके ऊपर हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे। सर, आपसे एक चीज बोलना चाहेंगे कि M2 फैक्टर है यानी मोदी और मंदिर है, या फिर M3 फैक्टर है कि मोदी मंदिर और मनोहर लाल खट्टर? देखिए, एक सिर्फ M3 फैक्टर नहीं है, इसको देखेंगे तो ये मेरे को लगता है M1000 फैक्टर हो जाएगा। एक वजह नहीं होती है किसी चुनाव को जीतने के लिए, वजह होती है वेलफेयर, वजह होती है विकास, वजह होती है विश्वास, वजह होती है डिलीवरी,
वजह होती है जो आपने काम करके दिखाए हैं। ये एक फैक्ट्री पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। आस्था 370 आप सोचिए, कश्मीर के अंदर कभी किसी ने सोचा था श्रीनगर में हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे? ये भी भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज श्रीनगर में भी मेट्रो ट्रेन शुरू होगी। कभी सोचा था कि कश्मीर की लड़कियां, आपका एक इन्होंने जब 10 कहा ना, इन्होंने जीरो सामने ज्यादा लगा ली, एक सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, और उसका कारण बताता हूं आपको। 700 किसान शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के कृषि कानून की वजह से, किसानों का एक साल खराब हुआ भारतीय जनता पार्टी के कृषि कानून की वजह से। मोदी साहब ने उसके बाद माफी भी मांगी और कृषि कानून वापस भी लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लाड साहब थे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल के अपनी गाड़ी के नीचे दबाकर मार डाला, और जो 6 वादे करके किसानों को वापस घर भेजा था, मैं पूछूंगा जेटली साहब से, क्या एक भी वादा डिलीवर हुआ? दे दिया MSP, दे दिया मुआवजा, कर दिया आपने जो कॉम्पनसेशन का वादा किया था, दे दिया आपने। उनके परिवार तक बार बार कहते रहे कि जो केस किया वापस ले लो, जो मुआवजा हमें पंजाब सरकार, जब हमारी पार्टी सरकार में थी तो हमने मुआवजा भी दिया, उनके परिवारों को जॉब्स भी दी। और भारतीय जनता पार्टी के जो MP है राजस्थान के, उन्होंने किसानों को टेररिस्ट तक कह दिया था। और मैं कहूंगा जेटली साहब को कि यही स्टेज पे अनाउंस करें कि उन MP को मैं कंडेम करता हूं, उन्हें पार्टी में से हम निकालेंगे। और तीसरी चीज मैंने पूछूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है, लोकतंत्र का कत्ल हुआ, उसको वेलकम करते हैं जेटली साहब या नहीं वेलकम करते, ये भी बता दीजिएगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, जरा पूछिए इनसे, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो इलेक्शन कमीशन को चूज करेगी कमेटी, उसका CJS साहब को हिस्सा बनाइए, CJS साहब को फिर हिस्सा क्यों नहीं बनाया जी आपने? आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अंडरमाइन कैसे कर दिया? और मैंने पूछूंगा इन्हें दिक्कत क्या थी, अगर CJS साहब उस कमेटी का हिस्सा होते, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इतना डर, इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट, छोटा रिएक्शन सर प्लीज। आप ऐसा ना, इनसे बड़े रिएक्शन ले लेते हैं, आपने वादा किया था कि आप छोटा रिएक्शन करना पड़ता है। मलविंदर जी को भी तो पंजाब के बारे में पूछना है ना, आपने इतने सारे आरोप लगाए, पंजाब में सरकार इनकी है, लेकिन ऐसा लग रहा था आरोप आप राजीव जी पे लगा रहे हैं, इनकी सरकार पर लगा रहे हैं, भाजपा वन टू वन बात करिए ना सर, आप अलायंस में इनके साथ बाकी स्टेट्स में लड़ेंगे, तो ऐसे में आप अगर आंख तरेरना है तो इन पर तरेरिए ना डायरेक्टली। बीजेपी का कुछ रोल नहीं है, बीजेपी का सेंटर में रोल है, पंजाब में तो इनका रोल है, RDF का पैसा किसने रोका? पंजाब के गिना रहे थे उस RDF का पैसा, लेकिन जब आप बलविंदर जी से नहीं ले रहे थे। 2024 में देश के लिए चुनाव होने वाला, और मैं बता रहा हूँ देश में इस समय मोदी जी राज कर रहे हैं, लेकिन आज तेल की कीमतें और ऑयल की महंगाई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है, मणिपुर में आग लगा रखी है भाजपा ने, साउथ के सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में धरना दे रहे, पंजाब की धरती ने कभी नफरत का कमल खिलने नहीं दिया, ना खिलने दिया जाएगा। ये देश के मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस तरीके से देश में आज बेरोजगार अग्निवीर बना दिया आपने देश के सैनिक, और देश के सैनिक अग्निवीर बना के आप उनकी लाशें हो रही है देश के लिए शहीद, और वहां कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा, ये भाजपा की राजनीति है। किसान सड़क पे धरने दे रहा है, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद MSP का वादा किया था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, बताइए कहाँ है लीगल गारंटी? 12,000 से ज्यादा किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं देश में, कहाँ है? तेल, ऑयल, पोर्ट, एयरपोर्ट सभी अडानी जी के हवाले कर दिए, सभी पब्लिक सेक्टर को जिस कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आप, मैं कह रहा हूँ और क्या हो रहा है, देखिए ना, तेल, ऑयल, सभी पब्लिक सेक्टर कारपोरेट के हवाले कर दिए, 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी देश में इस समय, और आप बात कर रहे 400, मैं कह रहा हूँ 40 भी आनी मुश्किल है। इंडिया अलायंस देश हित के लिए बना है, कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना, क्योंकि जिस तरीके से डेमोक्रेसी का खून किया गया चंडीगढ़ में, कैमरे ने देखा ना, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको उस पर पॉइंट आउट किया, डायरेक्शन दिए, ये देश में नहीं होने दिया जाएगा, ना देश के लोगों ने होने दिया है। तो इस तानाशाही को खत्म करना है भाजपा की, इसलिए हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है।